हेलो, आ गए अभी। कंटिन्यू, अपने सामसी करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 120 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन लेस देन 40% और मोर देन 60% विल बी हेड्स एंड 5/8 और मोर विल बी हेड्स। सबसे पहले आइडेंटिफाई कि 120 टॉसेस है तो 120 भी बड़ा नंबर है। अगर एन ग्रेटर देन 30, ये बात हमेशा याद रखना, एन अगर 30 से बड़ा है तो तुम्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही जाना होता है। तो ये 30 से बड़ा है, ठीक है। परसेंटेज दिया है तो व्हाट आर परसेंटेज? प्रपोर्शन। परसेंटेज प्रपोर्शन में जाता है। एक बात बताओ, प्रपोर्शन में तुम्हें क्या होता है? प्रपोर्शन में फॉर्मूला शीट देखो, पी एंड क्यू होता है। सो पी एंड क्यू, अभी थोड़ा दिमाग लगाओ। फेयर कॉइन में अगर हम कॉइन टॉस करें, हेड्स आते हैं टेल्स आते हैं, कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेयर कॉइन स्पेसिफाई किया है, फेयर कॉइन स्पेसिफाई किया, तो इट्स 0.5, 0.5। अब इसमें थोड़ा ध्यान दो, एन क्या है? एन इज नॉट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ सैंपल। इसमें एन इज जो भी क्वेश्चन में नंबर दिया रहेगा वो ले लो। सो व्हाट इज एन? एन इज 120। ओके, तो अब बताओ एस का म्यू एस और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दोनों पता करो। बाइनोमियल है, मैंने फॉर्मूला शीट में तुम्हें दो फॉर्मूला दिख रहे होंगे, लेकिन लेक्चर में मैंने बताया था ये बाइनोमियल है। इसमें अगर तुम्हें परसेंटेज दिया है, प्रपोर्शन है, तो तुम फॉर्मूला वो यूज करोगे जो एन पी वाले। तो ये क्या है? एन पी, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। अब बस सॉल्व करो, व्हाट इज एन? 120 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 60। सिंपल। और ये सिग्मा पी, ये जो है तुम्हें सिग्मा पी और एस, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ना ही सैंपल डिनोट करता है ना ही पॉपुलेशन डिनोट करता है। इसमें बस तुम दोनों एस एस ले लो। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला में बस रेफरेंस के लिए, प्रपोर्शन में एस एंड पी डजंट डिनोट सैंपल या फिर पॉपुलेशन, मीन में डिनोट करता है। एस एंड एस डिनोट पॉपुलेशन, एंड एस डिनोट सैंपल, एंड पी डिनोट्स पॉपुलेशन। ओके, तो मतलब एन का वैल्यू 120, अरे 120 इंटू 0.5 इंटू 0.5, कैलसी पे वैसा का वैसा डालो, तो आंसर है 5.47। गॉट इट? तुम्हें सारे रिक्वायर्ड मिल गए, जेड के लिए इतना ही लगता है। तो बताओ ए लेस देन 40% एंड मोर देन, एंड नहीं है और है, मोर देन 60%। हमने फॉर्मूला में क्या देखा था? दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज। जेड के जो भी फॉर्मूला जेड डिस्ट्रीब्यूशन में निकालोगे वो डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं। सो व्हाट इज, अब बताओ व्हाट इज 40% ऑफ 120? क्योंकि हमें 120 का ही निकालना पड़ेगा, लेस देन 40%। सो 40% से कम, सो 40% ऑफ 120 एंड सिमिलरली 60% ऑफ 120। कैलसी पे डायरेक्ट परसेंटेज का सिंबल है किसके ऊपर पता है? ये जो 9 के ऊपर है, एक ब्रैकेट है, वहां से लिखो 40, ऐसा परसेंटेज का साइन डालो, बीच में इंटू डालो और लिखो 120। इक्वल टू दबाओ तो तुम्हें आंसर मिलेगा 48, एंड सिमिलरली क्या है 60% है ना, 60% 72। अभी अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर 120 ही आएगा। अब जेड स्कोर लिखो, जेड स्कोर इज इक्वल्स टू एक्स बार सी ओ एन टी कंटिन्यूस माइनस म्यू एस अपॉन सिग्मा एस। अब ये इसे कंटिन्यूस में कन्वर्ट करो, ऐसा अज्यूम करो कि एक्स क्या दिया है क्वेश्चन में, लेस देन 40% ना, लेस देन 48 ऐसे लिखना, और इसको ऐसे अज्यूम करो एक्स मोर देन 60, 72। तो अपना टेबल वो वाला रेफरेंस के लिए दिमाग में याद रखो, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ले लो, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा मंगा दिया। लेस देन में क्या हो रहा है? एक वैल्यू कम हो रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स बार सी ओ एन टी, ये हो जाएगा 47.5, एंड इसको यहां सरखाओ, एंड इसको एक्स बार सी ओ एन टी, ये हो जाएगा 72। ग्रेटर वाला साइन देखो, बढ़ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 72.5। अब तुम्हारा जेड बार निकाल लो, यहाँ से एक्स बार कंटिन्यूटी बोलो क्या है, 47.5 माइनस म्यू एस हमने निकाला, व्हाट इज म्यू एस? 60 अपॉन सिग्मा एस 5.47। अब सिमिलरली इसका निकालो, इज इक्वल्स टू जेड स्कोर 72.5 माइनस 60 अपॉन 5.47। अब बस इसे सॉल्व करो, ये क्या आ रहा है? माइनस 2.2851, एंड ये आ रहा है 2.2851।
ये लगभग सिमिलर आ रहा है, कुछ भी हो अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम इसे है वैसा ही ड्रॉ करेंगे। ये तुम्हारा बीच में 0, ये है तुम्हारा -2.2851, ये है तुम्हारा माइनस, ये तुम्हारा है +2.2851। बोलो इन दोनों के क्या बोला है, लेस देन और मोर देन, इन बिटवीन बोला है क्या? नहीं, तुम्हें बोला गया है लेस देन और मोर देन, इससे छोटा इससे बड़ा। तो जेड स्कोर क्या, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी अपनी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू सीधा डायरेक्ट वैल्यू। देखो ये जो है ये राइट के तरफ जा रहा है तो ये आर से फाइंड होएगा, और ये जा रहा है लेफ्ट के साथ तो ये टी से फाइंड होएगा। इन्फिनिटी के लिए ये दोनों फाइंड आते हैं, क्यू का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। कैलसी पे ये दोनों ढंग से डालना, तो जेड स्कोर ऑफ किसका है ये 47.5 का, प्लस जेड स्कोर ये कौन सा है 72.5, 72.5 का आ रहा है 0.0113 प्लस 0.0113, ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए। माइनस का साइन डालना, माइनस का साइन इंपॉर्टेंट होता है पी के इसमें भी, अगर पी के इसमें तुम ढूंढ रहे हो तो ये माइनस का साइन है तो डालो, नहीं है तो मत डालो। तो अब बस इन दोनों को ऐड करो 0.0226, ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। आगे अपना इतना ही था, एंड नेक्स्ट में क्या बोला है, 5/8 और मोर विल बी हेड्स। ओके व्हाट इज 5/8, ठीक है देखते हैं। बी में 5/8 और मोर प्रोबेबिलिटी पूछा था ना, ये प्रोबेबिलिटी ही आ गया है, बस खत्म करो इसको, 5/8 और मोर पे अभी आ जाओ। सो मुझे बताओ व्हाट इज 5/8, तो इसको पहले फ्रैक्शन में ले दो, ऐसा फ्रैक्शन पसंद नहीं है हमें। तो ये कुछ आ रहा है 0.0.6250, 0.6250 परफेक्ट। ये कुछ ये अपना रेशियो कुछ आसपास कुछ आ रहा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, क्यू परसेंटेज में, क्योंकि क्योंकि हिंट वन ऊपर इंफॉर्मेशन परसेंटेज में थी, परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 62.50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी यहाँ से अज्यूम करो तुम्हें पूछा गया है 62.5%, सेम अभी हो गया ये 60 की तरह, ठीक है। तो अभी इस परसेंटेज को कन्वर्ट करो, 62% का क्या 120, तो निकालो अभी 62.5% ऑफ 120। सो व्हाट इज 62.5% ऑफ 120, 75 आ रहा है, ठीक है। ये 75 तो आ गया तुम्हें, लेकिन तुम्हें एक्स बार कंटिन्यूअस लगता है ना अपने जेड के फॉर्मूला में, जैसे हमने ऊपर देखा क्या हो रहा है, एक्स इज 5/8 और मोर, और मतलब या तो वो भी चलेगा उससे बड़ा भी चलेगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, 75 भी चाहिए उसको, क्यों, क्योंकि 5/8 का भी चाहिए उसे, और मोर बोला है। तो बताओ अपने टेबल में और मोर के लिए क्या हो रहा है, एक नंबर कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स बार कंटिन्यूस 74.5, क्लियर। या तो टेबल देखो या फिर तुम्हें ऐसा ग्राफ लगा के याद करो, लेकिन वो नंबर्स अगर तुमने दिमाग में एक बार बिठा लिए तो भी बहुत हो जाएगा। या तो फिर मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहा कि कैलसी के पीछे ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे बहुत कुछ लिखा होता है और वहां पर तुम थोड़ा सा बहुत कुछ अपने आप से लिख सकते हो, ऐसा मैं बिल्कुल बोल नहीं रहा हूँ। तो आगे कंटिन्यू करो, जेड स्कोर इज इक्वल्स टू एक्स बार CONT माइनस म्यू एस अपॉन सिग्मा एस। अब बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करो 74.5, व्हाट इज म्यू एस, म्यू एस इज तुम्हारा 60 एंड 5.47, 60 अपॉन 5.47, इसे जब तुम सॉल्व करें तो आ रहा है 2.6508। अब क्या है, अब इसका जो भी वैल्यू आएगा उसे ऐसे प्लॉट करो, ये है 0, ये है 2.6508। ओके मोर बोला है लेस बोला है, मोर बोला है तो मोर मतलब 2.8 से बड़ा नंबर, तो तुम्हें ये साइड कैलसी पे निकालना है, मतलब क्या यूज़ करना पड़ेगा, राइट साइड यूज़ करके, आर का इक्वेशन यूज़ करके जेड स्कोर निकालो, वो आ रहा है कुछ 4.0151 × 10⁻³, वो है 0.004015 इज योर प्रोबेबिलिटी। इतना समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सारे पेपर में पूछे जाते हैं, शायद इसका फर्स्ट हाफ पूछे, शायद सेकेंड हाफ पूछे, कुछ भी पूछे, समझ में आ गया ना। तो चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।